दोस्तों, दयानंद शेट्टी एक भारतीय फिल्म अभिनेता और टीवी कलाकार हैं। वो छोटे पर्दे के प्रसिद्ध शो सीआईडी में इंस्पेक्टर दया के नाम से बहुत प्रसिद्ध हैं। दयानंद शेट्टी का जन्म 11 दिसंबर 1969 को कटप्पी कर्नाटक में होता। उनके पिता का नाम चंद्रप्रकाश शेट्टी है और माँ का नाम उमा शेट्टी है। उनकी दो बहनें हैं, नैना और संध्या। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई उड़पी से की है। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई रिजवी कॉलेज बांद्रा से पूरी की है। दयानंद शेट्टी की शादी समिता शेट्टी से हुई है। उनकी एक बेटी भी है। उन्हें साल 2002 में बेस्ट लुकिंग एक्टर के अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। दया ने अपने अभिनय की दुनिया में आने से पहले एक खिलाड़ी थे, लेकिन उनकी लेग इंजरी की वजह से उन्हें खेल से दूर रहना पड़ा। वह एक बेहद अच्छे शॉटपुट खिलाड़ी और डिस्कस थ्रोअर थे। उन्होंने खेल जीवन के दौरान कई अवार्ड अपने नाम किए थे। वह वर्ष 1994 में महाराष्ट्र के डिस्कस थ्रोअर्स के स्टेट चैंपियन भी रह चुके हैं। उसके बाद उन्होंने वर्ष 1998 में सोनी के शो सीआईडी के लिए ऑडिशन दिया था, जिसमें उन्हें चुन लिया गया। इस शो में वह सीनियर इंस्पेक्टर दया का किरदार निभा रहे थे। इस शो में उनके अलावा शिवाजी सत्यम, आदित्य श्रीवास्तव मुख्य भूमिका में थे। सीआईडी में दया अपने ताकत और भारी भरकम शरीर के लिए जाने जाते थे। इसी शो का सबसे प्रसिद्ध डायलॉग दया दरवाजा तोड़, जिसपे काफ़ी चुटकुले भी बन चुके हैं। इसके अलावा दया कई बार टीवी कमर्शियल और शोज में नजर आ चुके हैं। दोस्तों, दया ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत वर्ष 2007 में फिल्म जॉनी गद्दार से की थी। हालांकि उन्हें हिंदी सिनेमा में पहचान रोहित शेट्टी के निर्देशित फिल्म सिंघम रिटर्न से मिली थी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा, ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहे।